अध्याय एक देख रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद यानी क्या होता है? राष्ट्रवाद मतलब नेशनलिज्म, अपने देश के प्रति प्यार, अपने राष्ट्र के प्रति मोहब्बत। इस चित्र को बड़े ध्यान से देखिए। इस चित्र में ये फ्रेडरिक सारियू एक विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न यहां पर किसी ने देखा है और राष्ट्रों के बीच में संधि है। ये जर्मन फ्लैग है, यहां आप फ्रांसीसी फ्लैग देख रहे हैं जो विरुद्ध है राष्ट्रवाद, या कहें कि ऐसे शांति के विरुद्ध जो लोग हैं या जो शक्तियां हैं वो यहां पर पड़ी हुई हैं। इसके अलावा यहां पर भगवान और फरिश्ते ऊपर से देख भी रहे हैं। इस चित्र का क्या मतलब है? इस चित्र से बहुत सारी चीजें हमें पता चलने वाली है। तो ये एक, जैसे मैंने कहा, एक फ्रांसीसी कलाकार 1848 में फ्रेडरिक सारियू, इन्होंने चार चित्र बनाए थे, एक श्रृंखला बनाई थी, और उन्होंने यहां पर एक संसार अपना, एक सपनों में, एक यूटोपिया एक शब्द आने वाला है उसमें रचा, जो ऐसा संसार जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था, यानी कि ऐसे समाज, ऐसे देश जो डेमोक्रेसी हो, जनता का प्रतिनिधित्व हो वहां पर, और सामाजिक, समाज का प्रतिनिधि हो, और वहां पर प्रतिनिधित्व लोगों का हो। ये जो पहला चित्र मैंने आपको दिखाया, ये यूरोप और अमेरिका के लोग इसमें दिखाए गए हैं। सभी उम्र, सभी सामाजिक वर्ग के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में खड़े हुए हैं, और यहां पर ये फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता के की प्रतिमा को सलाम कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उसमें जो कलाकार थे उसमें स्वतंत्रता को ऐसे महिला के रूप में ही दिखाया गया था। अगर आप देखें तो जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में आज स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो भी महिला का है, उसके हाथ में एक ऐसी चीज है जो बताती है कि ये फ्रीडम का प्रतीक है, स्वतंत्रता का। तो इस तरीके से जो प्रतिमा है इसके सामने, जैसे मैंने कहा कि जमीन पे क्या धराशायी है, ये वो निरंकुश संस्थान है जिनके अवशेष यहां बिखरे हुए हैं। निरंकुश संस्थान का मतलब होता है एब्सोल्यूटिज्म, यानी ऐसा सरकार, ऐसा शासन जिसकी सत्ता पर किसी का कोई रूल मतलब नहीं है, कोई इसको कुछ कह नहीं सकता, कोई इस पे अंकुश नहीं है, यानी कि वो अपने में केंद्रीकृत है, सेना के बल पे काम करती है, और अगर कोई आवाज उठाए तो उसका दमन करती है। तो ये निरंकुश या निरंकुशवाद इसे कहा जा रहा है। ये सब बिखरे पड़े हैं। अब जैसे मैंने बताया कि जो सारियू साहब है, इन्होंने एक अपनी एक दुनिया बनाई, यूटोपिया बनाया, एक कल्पना की कि जो दुनिया है उसमें अलग अलग राष्ट्र है और राष्ट्रों के समूह है, और उसकी पहचान कैसे होगी? इनके कपड़ों से, इनके कपड़ों से, इनके पोशाकों से होगी, और जो राष्ट्रीय पोशाक होंगे। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे, यहां पर इसके कहीं आगे अगर आप देखें तो इसको कौन लीड कर रहा है, इसके आगे कौन है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसे लीड कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि उस समय तक यूएसए और स्विट्जरलैंड ये राष्ट्र बन चुके थे। जैसे मैंने बताया कि फ्रांस के क्रांतिकारी यहाँ पर आपको झंडे दिख रहे हैं, इसे पहचाना जा सकता है आराम से। और यहाँ प्रतिमा को बहुत ध्यान से देखिए कि आसपास मैं चीज़ें बताऊंगा आपको। तो इसके आसपास जो है, अभी अभी जो फ्रांस पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति के समय की बात है, और जर्मनी के लोग काला, लाल और सुनहरा झंडा ये अपने हाथ में लिए है। अब ये देखें, बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस समय सारियू ने ये अपना चित्र बनाया तब तक जर्मन लोग संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा थे नहीं, और जो झंडा जिन्होंने लिया हुआ है वो लिबरल्स हैं, वो उदारवादी उम्मीद रखने वाले लोग हैं। 1848 की बात चल रही है, जो चाहते थे कि, जो ये मैंने कहा, प्रजातांत्रिक और जनतांत्रिक संविधान बने,
या इस तरीके से राष्ट्र बने, राष्ट्र राज्य बने, उसकी चाह में जो लोग थे वो लोग थे। उसके बाद जर्मन लोगों के बाद आप और देखें, उसके बाद ऑस्ट्रिया और दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, ये और रूस, इसके लोग हैं। और ऊपर से भगवान, क्योंकि सारियू साहब ईसा मसीह को मानते थे, ईसा मसीह है, संत फरिश्ते हैं, ये सब ऊपर से देख रहे हैं। तो एक तरीके से अलग अलग राष्ट्र जिन्होंने, जिनकी हमने बात की, उनका, उनकी एकता या उनका भाईचारा, उनकी मोहब्बत, ये इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। तो यह हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इस चित्र से आगे बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 19वीं सदी के समय राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म ये बड़ी जबरदस्त ताकत बन के आया, और जिसने पूरे जगत में, चाहे वो राजनीति जगत हो, चाहे वो मानसिक जगत हो, यानी कि दोनों लोगों के दिमाग, लोगों की सोच में भी, राजनीति यानी पॉलिटिक्स में तो लाया ही लाया, और ये पूरे यूरोप में परिवर्तन ला दिया। और उसके बाद आप देखें, ये जो परिवर्तन हुए, चेंजेस जो हुए, इससे यूरोप में बहुत सारे अलग अलग राष्ट्र या कहें बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर, यानी कि जो वंश के हिसाब से चल रहे थे साम्राज्य, उसकी को हटा के उसकी जगह राष्ट्र राज्य यानी कि देश का राज हो, लोगों का राज्य हो, इसका उदय हुआ। यूरोप में बहुत समय से चल रहा था, और जो इसमें खास तौर पे अगर आप देखें तो परिभाषित जो क्षेत्र है उस पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। लेकिन होता यह था कि राष्ट्र राज में न केवल उनके शासकों बल्कि अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। कहने का मतलब ये है कि इन सब में, कि हम सब एक हैं, मैंने जैसे कहा ये भाईचारे की बात हो रही है, तो हम सब एक हैं, ये वाली बात थी। तो साझापन यानी एकत्व की भावना ये पहले तो नहीं थी। वो आप देखें कि संघर्ष हुए और नेता हो गए या आम लोग, इन्होंने इसको निर्माण किया, इस चीज का निर्माण किया। तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्रक्रियाएं हुई या ये सब जो अलग अलग पाथवेज हुए जिससे वाकई में नेशनलिज्म और राष्ट्र राज्य यानी कि किसी एक का राज्य नहीं, किसी एक सिंगल आदमी का राज्य नहीं या किसी वंश का राज्य नहीं, बल्कि राष्ट्र का राज हो, लोगों का राज हो, ये कैसे अस्तित्व में आए, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इसमें एक और चीज इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक शब्द है, ये यूटोपिया शब्द कभी कभी पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने कल्पना की थी सारियू साहब ने, तो एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। ध्यान रखिएगा, दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ें परफेक्ट नहीं है, लेकिन एक परफेक्शन के करीब हो सकती है। तो ये कल्पना उन्होंने की थी कि हाँ कुछ इस तरीके से होना चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति को हमने बहुत बहुत गहराई से देखा, तो ये शुरुआत जो हुई थी राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की, देशभक्ति की, इसको अगर हम पहले सबसे शुरुआत मान सकते हैं तो 1789 में ये फ्रांसीसी क्रांति के साथ शुरुआत हुई थी। अब यहाँ पर जो फ्रांस था उसमें एक निरंकुश राजा था, और इस राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव को फ्रांसीसी क्रांति ने एक रूप दिया, और फिर ये फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आई प्रभुसत्ता, राजतंत्र या जो भी आप कहें, सत्ता आ गई उनसे हटके जो आपके राजा थे इस समय के। अब क्रांति की घोषणा ये था कि अब लोग, पीपल विल डिसाइड, लोग डिसाइड करेंगे कि देश होगा कैसे, और वो उसका फ्यूचर भी तय करने वाले हैं। जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, जैसे मैंने कहा फ्रांसीसी क्रांति ने बड़ा बड़ा रोल प्ले किया, तो उन्होंने ये फ्रांसीसी लोगों में एक कि आप हमारी एक सिंगल पहचान हो, सामूहिक पहचान हो, तो उसके लिए क्या शब्दों का देखिए किस तरीके से प्रयोग हुआ, पितृभूमि, ला पेत्री, पितृभूमि, नागरिक को कहा ली सिटोयें, ली सिटोयें, इस तरीके से नाम हुए। तो ये जब ये नाम शुरू हुए कि देखिए किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम ले, जैसे वर्ण व्यवस्था हो गई या कोई एक हायरार्की हो गई, ऐसा नहीं, संयुक्त समुदाय यानी कि एक कंबाइंड, एक परिवार की तरह, एक समुदाय की तरह, इस पे बात की गई, और इसको संविधान के अंतर्गत, जो वहाँ का संविधान था उसके अंतर्गत भी सबको, जितने भी लोग थे उनको समान अधिकार मिले।
तो एक फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया, आपको याद होगा, राष्ट्र ध्वज। और उसके बाद जो एस्टेट जनरल पहले हुआ करता था उसको हटा के फिर नेशनल असेंबली बन गई, और खूब सारी नई चीज़ें बनी, यानी कि किसी ने रचना रची, शपथ ली गई, शहीदों को बहुत माना गया, उनकी इज्जत हुई, और सब राष्ट्र के नाम पर हो रहा था। अब समान कानून बन गए। और हुआ ये कि जो आयात निर्यात है, यानी कि जो इंटरनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उस पे जो शुल्क लगता है, उस पे जो टैक्स लगता है, उसको खत्म कर दिया गया। और भार नापने के लिए कहीं पाउंड चल रहा था, कहीं किलोग्राम चल रहा था, कहीं कुछ और चल रहा था, इसके लिए एकदम एक समान व्यवस्था इन्होंने लागू कर दी। और जो एक क्षेत्र की बोली है, उसको कहा कि नहीं साहब, ऐसा करें कि फ्रेंच, अगर फ्रांस है तो फ्रेंच बोली होनी चाहिए, और राष्ट्र की साझा भाषा इसको बनने के लिए प्रेरित किया गया लोगों को। अब ये जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा ये एक एम है कि हम तो अपने अपने काम में सफल हुए, लेकिन पूरे यूरोप को वो जो शासक है, निरंकुश शासक, जो जिन्होंने आधिपत्य कर रखा है और वो उनके ऊपर कोई नहीं है, जनता त्राही त्राही कर रही है, उनसे हम मुक्त कराएंगे। यानी कि दूसरे राष्ट्रों को बनाने के लिए भी यूरोप में फ्रांस मदद करेगा। इसमें बहुत सारे लोग एक तरीके से इनसे इन्फ्लुएंस हुए, और बहुत सारे जो शिक्षित मध्यम वर्ग थे उन्होंने जैकोबिन क्लब बना लिया। आपको याद होगा, जैकोबिन क्लब थे, क्लब बने थे फ्रांसीसी क्रांति के समय। और इसी तरीके से फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया गया, ये क्योंकि जो गतिविधियां अभियान चल रही थी 1719 के दशक में, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, इसके बहुत सारे इलाकों में फ्रेंच की सेना घुसी। अब क्योंकि क्रांतिकारी युद्ध शुरू हो गए थे, इससे क्या हुआ, फ्रांसीसी सेनाएं जो है राष्ट्रवाद का विचार अपना लेके, नेशनलिज्म का, अपने देश का, मतलब झंडे का, अपने राष्ट्रगान का, ये सब विचार लेके वो विदेशों में जाने लगे। अब नेपोलियन साहब के नियंत्रण में बड़ा क्षेत्र आया, और जो वो फ्रांस में कहें कि एक तरीके से शुरुआत की उन्होंने, सुधारों की, वो वे आगे भी करना चाहते थे और किया उन्होंने। फ्रांस में उन्होंने राजतंत्र वापस ले आए। आप कहने का मतलब ये है कि जब नेपोलियन आए तो जो पहले प्रजातंत्र था, यानी कि डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज थी, उसको वो वापस राजतंत्र में ले आए, क्योंकि नेपोलियन एक तरीके से एरिस्टोक्रेट, मतलब उसी तरीके के थे कि मेरा राज्य रहे, तो वो उन्होंने नष्ट तो किया इस प्रजातंत्र को, लेकिन इसके अलावा उन्होंने काफी चीजें चेंज भी की। जो प्रशासनिक क्षेत्र है उसमें उन्होंने, नेपोलियन साहब ने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, यानी कि जो क्रांति के समय जो उनके सिद्धांत थे उसको लाया। उसका कारण क्या था, इसका मतलब यह है कि सब चीजें प्लान्ड हो जाए, तर्कसंगत हो जाए, लॉजिकल हो जाए, कुशल हो जाए, सारी व्यवस्था बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। अब इनकी एक संहिता है जिसको आमतौर पे नेपोलियन की संहिता कहा जाता है, 1804 की नागरिक संहिता है। इस संहिता के हिसाब से अगर आपने कहीं जन्म लिया है तो आपको एक विशेषाधिकार मिलता था इससे पहले, इन्होंने खत्म कर दिया कि देखिए जन्म से कोई मतलब नहीं, कानून के सामने सब बराबर है। अब अगर संपत्ति का अधिकार, इसको भी इन्होंने सुरक्षा प्रदान की। तो बहुत सारे जैसे फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में इसको लागू भी किया गया, जैसे डच गणतंत्र हो गया, हॉलैंड जैसे कहते हैं, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी, इसमें जो प्रशासन के अलग अलग विभाजन है, जैसे ये मंत्रालय अलग, ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग, इसको बड़ा सरल बनाया। जो पहले सामंती व्यवस्था शुरू थी इलाकों में, उसको खत्म किया। जो दास बन चुके थे लोग, जमीन पे काम करते थे, उनको खत्म किया। और जो शुल्क ये दिया करते थे, जागीरदारी वाली जो शुल्क थी, उससे इनको मुक्त किया। और फिर जो शहर में क्या किया, इसमें कारीगरों को बड़ा इन्होंने एक तरीके से श्रेणी संघ, तो संघों के अंडर में जो ये आते थे और बड़े सिचुएशन इनकी खराब थी, उसके नियंत्रण को हटा दिया। यातायात, संचार, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया। किसान, कारीगर, मजदूर और जो नए नए उद्योगपति हैं, इनको बड़ा अच्छा लगा।
और ख़ास तौर पर जो उद्योगपति और सामान बनाने वाले जो छोटे उत्पादक थे वो ये मानने लगे कि ये जो एक समान जो कानून आया है उससे एक समान कानून से उनको बड़ा फायदा होगा और ये जो कानून है उससे बराबरी का मौका मिलेगा और आराम से इधर उधर वो सामान अपना भेज सकते हैं, इससे बहुत अच्छा लगेगा उनको और उनसे फायदा भी होगा। अब बात आती है कि ये कब तक चला और इसको किस तरीके से लिया लोगों ने। अब मैं पहले एक चित्र आपको दिखाऊंगा, उससे आप थोड़ा और समझ पाएंगे। ये जो है इस चित्र के बारे में दोबारा मैं बात करूंगा आगे चल के, लेकिन अभी फिलहाल आप देखिए इस चित्र में कि ये वेना कांग्रेस 1815 के बाद का यूरोप है। तो ये जो यूरोप है ये पहले कैसा था, अब 1815 के बाद कैसा हुआ और उसके बाद कैसा हुआ ये हम सब देखेंगे। फिलहाल एक इसमें आपको नज़र थोड़ी सी ये रखना है कि फ्रांस कहाँ है और फ्रांस में जिस जिस पे नेदरलैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, कहाँ कहाँ वो गया और किस किस पे उसने अपना आधिपत्य किया, वो फिर कैसे चेंज हुआ वो भी हम देखेंगे। अब ये सब चीज़ें तो हो रही थी लेकिन सब लोगों ने इस तरीके से तो लिया नहीं इसको, है ना। यहाँ पर देखें आप, ये है ज़ेब्रकेन, जर्मनी में ये स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण हो रहा है। लेकिन ये जर्मन चित्रकार ने बनाया है इसको, कॉल कैस्पर फ्रिड्स साहब ने बनाया है। इसमें फ्रेंच सेना जो है उस पर इस जगह का ज्वेबरकेन है इस पे वो दिखाया गया है, कब्जा दिखाया गया है। तो फ्रांसीसी सैनिक इसमें दमनकारी दिख रहे हैं, यानी कि अब ये गलत तरीके से या लोगों को परेशान करके एक किसान की गाड़ी इन्होंने छीन ली और कुछ युवा जो महिलाओं को तंग कर रहे हैं, एक किसान घुटने टेकने पर बेचारा मजबूर हो चुका है। तो स्वतंत्रता के जो वृक्ष है इस पर लगाई जा रही जो पट्टी है उस पर जर्मन में लिखा है, उसका ये कहना है कि हमसे आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता का आदर्श रूप है। तो जैसे ये माना गया था कि फ्रांसीसी मुक्तिदाता बन के आए हैं, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही थी। अब जो जीते हुए इलाके हैं उसमें लोगों की बड़ी अलग अलग प्रतिक्रिया थी कि फ्रांसीसी शासन जो आया है उससे, क्योंकि शुरुआत में तो उस समय इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन तो था नहीं, तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और कई जो शहर है, ब्रसल्स हो गए, मेज, मिलान और वॉर्सा, इसमें बाकायदा जब फ्रांसीसी सेना आती थी तो उनका स्वागत किया जाता, तोहफा दिया जाता था। लेकिन लोगों को समझ में आ गया, ये चीज़ दुश्मनी में बदली आगे चल के, उनको समझ में आ गया था कि इन्होंने जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की है राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए, वो उनके हिसाब से नहीं है। देखिए सेंसरशिप बढ़ गई और फ्रांसीसी लोगों का ये सेना का क्या मतलब था, वो बाकी यूरोप को जीतने के लिए लोगों को जबरदस्ती अपने खेमे में डाल रहे थे, तो फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा था। एक चित्र आपको सब बताएगा, ये 1815 के बारे में आपको बताऊंगा मैं, जो चित्र दिखाया था मैं दिखाया था। लेकिन फिलहाल ये देखिए कि राइनलैंड का डाकिया लैथ सिंह इसमें आते हुए सब कुछ गंवा देता है। ये नेपोलियन है, इनको 1813 में जो लाइप्सिग है उसमें ये हार गए थे और डाकिया के रूप में आ रहे हैं और ये जो चिट्ठियां गिर रही हैं या पर्चे गिर रहे हैं इस पे वो उन जगहों का नाम लिखा है, भूभागों का नाम लिखा है जो ये हार चुके हैं। तो ये हमने अभी ये देखा कि फ्रांस में क्या हुआ और फ्रांस ने क्या एक अपना रूप दिखाया और उसके बाद इसको बाकी जनता ने कैसे लिया, इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।